हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाने वाले मूंग की दाल के छिलके के पराठे। जो ज़्यादातर हम दाल के छिलके फेंक देते हैं, उन्हीं से आज हम एक नई रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम चाहिए मूंग दाल के छिलके, कुछ कटी हुई मिर्च, प्याज और आटा। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। पहले नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा हम अजवाइन डालेंगे। अब इन छिलकों के साथ हम इसको आटे में गूंथेंगे। जब तक पानी की जरूरत ना हो पानी ना डालें, आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसको अच्छे से छिलकों के साथ ही आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा पानी डाल के फिर इसको हम अच्छे से गूंथेंगे। जब तक आटा अच्छे से गूंथेगा नहीं तो पराठे हमारे अच्छे से बनेंगे नहीं। यह आटा हमारा हो चुका है, उसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था। अब ये पराठे बनाने के लिए एकदम रेडी है। अब हमने इसकी लोई बना के अब इसको हम धीरे धीरे बेलेंगे। हमने तवे पे पहले से थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि पराठा चिपके रहे और तवा गर्म होने के बाद हमने पराठे को तवे पर डाला। पराठे के साइड में हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के उसको पलट देंगे और पराठे को हमको लो फ्लेम पर ही सेकना है। अगर हम तेज गैस पे करेंगे तो पराठा अच्छे से टाइट हो जाएगा, तो इसलिए हमें लो फ्लेम पर ही पराठे को सेकना है। ये देखिए पराठा हमारा सीख चुका है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार जरूर बनाइए दाल के छिलके के पराठे। अब हम दूसरा पराठा भी ऐसे ही सेक लेंगे। ये हमारा दूसरा पराठा भी तैयार है। जितना हम लो फ्लेम पे करेंगे पराठा उतना ही कुरकुरा और टेस्टी बनेगा। ये हमारा पराठा तैयार है। आपको ये न्यू रेसिपी कैसी लगी? अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी आपको, हमारी वीडियो पसंद आई आपको, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।